बोलिएगा मैं प्लीज। चलिए देखिए, देखो आपको ये जितने भी चैप्टर कराए हैं, जैसे रियल नंबर पहले बहुत पहले कराया था, आपका नहीं हुआ था। अभी ट्रिग्नोमेट्री जैसे कराया है, तो उसका आप लोग को मैंने एमसीक्यू भेजा था। अब सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। भाई लोग अभी रियल नंबर का आप लोग ट्राई कर रहे थे जो पहले, हम सब पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछना है उसमें क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री रियल नंबर में, तुम लोग को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। अगर इन लोगों को नहीं समझ में आएगा ना तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अगर, हाँ जी बेटे, बेटे स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्कूल वाले ऐसे भी है ना, हाँ अरे हो जाएगा, बस थोड़ा पॉकेट ढीला करो। देखो देखो बेटा, 61 स्लाइड नंबर निकालेंगे आप। निकालो बेटा 61। अब देखो, S एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर। ये जो पी आर है, अगर किसी के एक पास नहीं है तो बेटा तुम यहां देख लो लैपटॉप पे, है ना, दिख रहा है तो ठीक, और किसी को मेरा फोन चाहिए तो ले भी सकते हैं, चाहिए। अब देखो यहां पी आर साइड पे, सॉरी S और T दो पॉइंट है, ठीक है। ये एक तो पी आर पे पॉइंट S बनाया है और क्यू आर पे पॉइंट T है, दिख रहा है आपको। ओके, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर के अंदर ये सारी चीजें है, सच डेट एंगल P, हाँ बहुत अच्छा, नाइस, ये तो लीची वाला है। ट्राइंगल 61, ट्राइंगल पी क्यू आर सच डेट एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। एंगल P जो हमारा है एंगल आर टी एस के बराबर है। So, मतलब आप समझ रहे ना कि एंगल जो P पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है और जो T पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर है। और आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के, बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो देखो चलिए करते हैं, गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड द पॉइंट, बेटा बोलिए मत प्लीज, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड द पॉइंट एस एंड टी on sides PR and QR such that angle P is equal to angle RTS। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हमने जैसे गिवन रहता है हमने लिख दिया। अब प्रूव करना है कि सिमिलर है ट्रायंगल P RPQ RTS के, ठीक है। हमारे पास प्रूफ क्या है वो देखिएगा, ट्रायंगल RPQ and RTS here एंगल P is equal to एंगल RTS गिवन है। एंगल PQR देखिएगा बड़ा वाला, PQR जो बड़ा वाला है बराबर है TRS के और बराबर है R के, क्योंकि R यहां जो साइड है बेटा क्या है, कॉमन है। यहां पे जो R साइड आपको दिख रही, एंगल R जो दिख रहा है, दोनों में एंगल R कॉमन है कि नहीं? अगर आप PQR वाला ट्रायंगल लो या TS, R या RST वाला जो भी, इसमें आप देखेंगे कि एंगल R जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हमेशा दोनों में बराबर होते हैं। तो एंगल PQR एंगल TRS के बराबर है और इनमें बराबर क्या है, एंगल R भी है जो कि कॉमन। अगर अब देखिए इसमें अगर कोई कॉमन साइड है, एंगल एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, यहां पे दो एंगल सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS, AA similarity, ठीक है, hence proof, ये इतने से proof हो। अगले question पे चलते हैं। अब देखो यहां दो diagonal है जो बीच cross वाले line जो है AC और BD, बीच में है ना, AC और BD दो diagonal है और ये पूरा का पूरा picture एक trapezium है ABCD, जिसमें जो हमारा ए बी है ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो डीसी है, ये दोनों एक दूसरे के
पैरेलल हैं जिसको इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और यहां पर जो डायगोनल एसी और बीडी है वो पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्रिएशन फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल में सिमिलरिटी का जो क्रिएशन होता है उसको दिखाते हुए आपको ये शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी एंड ओ डी ओ बी अपॉन ओ डी होगा। देखो गिवन है कि एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी में ए बी हमारे डीसी के पैरेलल है और डायगोनल ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, और हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव करना है। चलो अब देखो हमें प्रूव करना है, यहां तक का गिवन और टू प्रूव जो होता है क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया। अब एक चीज जो हमें दिमाग लगा के निकालना है कि इसमें प्रूफ क्या है। अब ए ओ बी ऊपर का ट्राइंगल है और नीचे का क्या है हमारा, एक सेकेंड, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है। एंगल ए ओ बी एंगल डी ओ सी के बराबर है, देखिएगा ए ओ बी डी ओ सी के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सिमिलर, सॉरी इक्वल, वर्टिकली अपोजिट, ऊपर और नीचे का जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है जी। इमेज में कैसे नहीं लग रहा बेटे, पॉइंट ओ पे देखो जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ए ओ बी में ओ पे जो एंगल बन रहा है, डी ओ सी में जो नीचे जो एंगल बन रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, ऊपर एक ऊपर है दूसरा नीचे है और दोनों सेम है। अगर कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा तो वो सेम होता है। तो इस हिसाब से ए ओ बी और डी ओ सी, अब देखिएगा एंगल दोनों जो हमने लिखा है ए ओ बी और डी ओ सी, तो ओ बीच में है ना दोनों के, मतलब एंगल कहां बन रहा है, पॉइंट ओ पे, जो बीच में होगा वहीं पर एंगल बनता है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल सर से। आगे देखिए ए बी ओ एंड सी डी ओ, देखिएगा ए बी ओ सी डी ओ, तो यहां पर बी पे एंगल बन रहा है ए बी ओ पे, वहां देखिए, और दूसरा है सी डी ओ यहां पे डी पे। तो यहां पर देखोगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी विद बी डी एज ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देखो यहां पर जो ऊपर की लाइन ए बी है और सबसे नीचे लाइन बी सी, पिक्चर में देखते रहिएगा आप लोग, आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन काटती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन पे जो कि यहां पर बेटा बी डी है, अगर अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो इक्वल होगा। अल्टरनेट मतलब एक तो बी के ऊपर बन रहा है ऊपर साइड पे लाइन के और एक लाइन के नीचे बन रहा है, इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ट्रांसवर्सल पे दो एंगल बन रहे हैं और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, दैट्स व्हाई ए बी ओ और सी डी ओ दोनों के दोनों इक्वल। अब एंगल बी ए ओ एंड एंगल ओ सी डी, देखिएगा पिक्चर में देखिएगा, बी ए ओ मतलब कि ए पे बन रहा है एंगल और दूसरा मैंने क्या कहा ओ सी डी मतलब सी पे, वही बात है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाए हैं। तो अब आप देखिएगा यहां पे एंगल 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 मतलब कि ए बी सी डी और ओ, तीन एंगल है ना, तो तीनों के तीनों एंगल सिमिलर हो गए, इसलिए एंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू एंगल ओ सी डी, ए ए ए सिमिलर टू, ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में ओ यहाँ पे डी, ये सब सब सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और ये भी चीज आगे देख लेते हैं। वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे देख रहे हैं ना दो ट्रायंगल यहाँ हमारे सिमिलर हैं ऊपर और नीचे वाले, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो उसके कोरस्पोंडिंग साइन जो होंगे वो भी एक प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब कि यहां देखिएगा कि अगर मान लीजिए एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो मतलब ये एक है और ये दो, तो दो के बराबर प्रोपोर्शन में होगा, ये तीन है तो ये छह, ये दो है तो ये चार, इसलिए प्रोपोर्शन में, इसलिए OA अपॉन जी दुगना कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि इसकी मेजरमेंट के ऊपर, ठीक है ना, मैंने पीछे क्वेश्चन बताया भी था आप लोगों को, उसकी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसी न किसी प्रोपोर्शन में।
OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खा ही ले, समय का कोई भरोसा नहीं। पर्ची जब खत्म होने के लिए आई है तो दांत की चिंता क्यों कर, लोहे की लगवा लेंगे। अब सोना सोना तो बहुत मांगे। देखिएगा यहाँ फिगर दिख रहा है बेटा आप लोगों, अगला, इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, दो ट्रायंगल आपको यहां दिख रहे हैं, उस पिक्चर पिक्चर को देखिए, आर टू राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पॉइंट एम पे और यहाँ पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं फोन दूं आपको, क्या आप कंफर्टेबल रहोगे? तो आपको ये बताना है कि राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी, जो एबीसी है वो एएमपी के सिमिलर है, हमको बताना है। वही चीज हम लिखेंगे, पहले गिवन है एबीसी और एएमपी टू राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल एबीसी हमारा 90 डिग्री और एएमपी 90 डिग्री, मतलब कि जी बोली कुछ कुछ ना, हाँ ऊपर गिवन में, वहां देखो बेटा उसमें एबीसी में बी बीच में है तो वहां 90 डिग्री बन रहा है, और एएमपी में एम बीच में है तो वहां 90 डिग्री बन रहा है। हमें प्रूफ करना है एबीसी एएमपी के सिमिलर है। प्रूफ हमारे पास क्या है, बहुत ही आसान, ट्रायंगल एबीसी और एएमपी में सी ए बी और एम ए पी ये कॉमन एंगल है, देख रहे हैं ना, ये जो ए है दोनों में कॉमन है। और दूसरा है कि ट्रायंगल एबीसी और एएमपी में बोथ आर 90 डिग्री यूजिंग ए सिमिलरिटी, मतलब कि एंगल एंगल सिमिलर, दो एंगल सिमिलर है, सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। यहां पे एंगल ए दोनों में सिमिलर है और 90 डिग्री दोनों में बराबर है, तो सिमिलर हो गया, ए कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी लगा दी हमने। इक्वल नहीं, एक जैसा, एक जैसा इक्वल, व्हाट इक्वल है नहीं, इक्वल मतलब बेटा देखते कॉमन साइड है कि एंगल ए पे, और यहां पे देखो एक जैसा इक्वल भी हो सकता है, लेकिन सारे एक जैसे इक्वल नहीं। मैं एक बात कहूं कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा छोटा एक जैसा दिख रहा है, और अगर बिल्कुल एक जैसा है तब भी हम एक जैसा ही कहेंगे, सिमिलर सब हो सकता है, सिमिलर सब हो जाएगा लेकिन कॉन्ग्रेंस सब नहीं हो सकता। क्या छोड़ रहा है ना दिमाग में, चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, एबीसी एएमपी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वही है, सीए अपॉन पीए बीसी अपॉन एमपी आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन सेम है, ये सेकंड नंबर हो गया है। हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि भैया ये दोनों का दोनों सिमिलर है, एंड वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। हमने पहले ही बता दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, चाहे तो पूरा का पूरा खाता लिख दीजिए फिर से। अब ये पता चल गया कि एबीसी और एएमपी दोनों के दोनों सिमिलर है, जब दो एंगल्स दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रो रेशियो में प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिएगा यहां पे सी ए अपॉन पी ए ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, बी सी अपॉन एम पी क्या है एम पी सॉरी बीसी अपॉन एमपी, ठीक है बेटा बीसी अपॉन एमपी, क्योंकि बीसी भी राइट एंगल बन रहा है और एमपी में भी राइट एंगल बन रहा है। ए बी अपॉन एम, ए बी अपॉन एम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, सो सी ए अपॉन बी ए एंड बीसी अपॉन एमपी, जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों में से एक दूसरे को बराबर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, देखेंगे यहां पे एडी जो है एल्टीट्यूड एडी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी
इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी। एल्टीट्यूड बेटा कभी भी होगा तो राइट एंगल बनाएगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। ये बेटा एडी और सीई, देखिए वहां पे क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसमें एडी और सीई दो हमारे एल्टीट्यूड से, ओके। और ये भी याद रखिए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर, एडी और सीई पॉइंट पी पे काट रहे हैं दूसरे को। आपको दिखाना है एईपी जो ट्राइंगल है सिमिलर है ट्राइंगल सीडीपी के। गिवन ट्राइंगल एबीसी एंड एल्टीट्यूड एडी एंड सी ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, जो भी पी है हमें प्रूफ जो करना है लिख दिया हमने। अब देखिए हमारे पास प्रूफ क्या है, ट्राइंगल एईपी एंड सीडीपी में एईपी बराबर है ट्राइंगल सीडीपी के, क्योंकि एडी एंड सी आर अल्टीट्यूड्स है। किसी भी ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब दोनों 90 डिग्री है मतलब बराबर है, दो चीज 90-90 की है तो बराबर ही होगी ना। इसे देख लो एडी और सी दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स है, और आपको पता है कि दोनों का दोनों एल्टीट्यूड जो था 90 डिग्री का होता है, इसलिए वो बराबर है। आप चिंता ना करो, पढ़ने पे ध्यान दो, उस सब के चक्कर मत पड़ो। क्या करोगे वहां जाके, मास्टर बनना है तुम। जितना पीडीएफ दिए तो तुम लोग का वजन ही नहीं उठ रहा है तुम लोगों से, यदि परेशान हो गए चक्कर पसीने। तो बेटे लैपटॉप कुछ ऐसा नहीं है, कुछ कंप्यूटर टाइप का कुछ चीज मूव करिए, पीडीएफ देखिए उसमें क्या दिक्कत है। आप इधर बैठ सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, आगे बढ़ जाइए, अगर दिख जाए आपको यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। तुम चुप रहो, अब तुम्हारे लिए मेरे आंखों में दर्द होगा क्या कि ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाना, ठीक है, दिख रहा है। ऐसे तो नहीं दिखेगा ना, रुक जाओ और बोलो मत, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो बेटा देखो, अब देखिए यहां पर आपको ये दिख गया कि एईपी और सीडीपी, सीडीपी एईपी जो ये येलो वाला दिख रहा है और ये ब्लू वाला जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों का दोनों जो है बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि एडी और सी दोनों एल्टीट्यूड्स है, ठीक है। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। एंगल एपीई और एंगल सीपीडी, ए ये तो सॉरी नीचे वाला बता रहे हैं आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एईपी एक यहां बन रहा है और सीपी सीडीपी एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, मतलब वर्टिकली ऊपर और नीचे बन रहा है ना, बस। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ये भी बराबर होंगे, हेंस ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। दो एंगल्स सिमिलर हैं तो ए सिमिलरिटी लगा देंगे, पढ़ाई की बात हो रही है। यही ना, आपको पता नहीं मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, मेरी बात है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन करा रहे थे, फिर से बोल बेटा क्या कर रहा है। देखिए एईपी और पीडी एपीसीडी या सीपीडी जो भी है, सीपीडी ये दो अलग अलग ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल के। हाँ तो तो कोई बात नहीं, देखते हैं दो बार अलग एक जैसा आ गया होगा। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, स्लाइड नंबर 67। ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एडी और सी सेम ही वही चीज है सारी, केवल क्वेश्चन क्या है,
कि ट्रायंगल यहाँ पे पहले दो ट्रायंगल हमारे पास थे, अब हमको अलग कुछ करना है, तीन हो गए या फिर वो दो ही हमें ट्रायंगल एपी एबी डी ए बी डी नीचे लबड़ा दिख रहा है ना आपको, दिखा भाई ऊपर वाले जैसा आ गया, एक सेकेंड, एबीडी सिमिलर है सी बी ई के, सी बी ई के, अब समझ में आया शिवा? अब देखो इन ट्राइंगल एपीडी जो इधर वाला बड़ा वाला है एपीडी, ट्राइंगल सी बी ई, सी बी ई के बराबर है, तो यहां पे कॉमन एंगल हमको दिख रहा है, एंगल एपीडी ए पी एबीडी है ना, क्या है ए बी डी, और दूसरा है सी ई बी, सी ई बी, इन दोनों में हमारा एक एंगल सेम है जो कि एंगल बी होगा, ठीक है ना, एंगल बी है इसमें, दोनों में सेम है, कॉमन एंगल्स है, ध्यान से पिक्चर को देखिएगा, अरे लो ना यार दो फोन का है, परेशान हो रहे हो, अपना ही फोन समझो, मत समझो अपना फोन, पता नहीं कहाँ ऐसे कुछ है, ये फोन में सर्च नहीं होता है, पता है सर्च हो होता पता है मेरे सबको मिली, कोई बात नहीं मेटल चीज काम चले, इसे पता नहीं हमारा फोन ऐसे ही है, काम चलो ठीक है, यहाँ ए डी बी, अब देखिएगा एंगल ए डी बी, ए डी बी ठीक है, और सी ई बी, सी ई बी दिख रही है, ए डी बी में पॉइंट डी को देखिएगा कहां बन रहा है राइट एंगल, और यहां पे नीचे देखिएगा सी ई बी में, सी ई बी यहां पे पॉइंट ई पे बन रहा है, पहले वाले में ट्रायंगल है पॉइंट डी पर और दूसरे वाले में पॉइंट ई पे राइट एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है, सिंस ए डी एंड सी आर अल्टीट्यूड बोथ 90 डिग्री और ए सी सॉरी ए डी और सी अल्टीट्यूड से, इसलिए दोनों का दोनों क्या है सिमिलर होगा, मतलब बराबर होगा, तो यहां पर हमारे पास ए सिमिलरिटी मतलब दो एंगल बराबर होगा, एक तो मैं आपको बता दूं डी पर और ई पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि एल्टीट्यूड है, और ये जो बी है पॉइंट बी दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है इसलिए ये दोनों का कॉमन एंगल है, तो ए सिमिलरिटी हो गया, समझ में आपको, फिर से बताऊं ये जो बी है ना, बी देखिए कहां पर है, बी दिख रहा है ना, तो दोनों ट्राइंगल में बी आ रहा है तो कॉमन है ना, वो कॉमन हो गया, तो कॉमन एंगल्स आर हमेशा बराबर होते हैं, ट्राइंगल बेटा इसमें है हमारा एबीडी को देखो, पहले एबीडी जो बड़ा वाला दिख रहा है और दूसरा है सीबीई, सीबीई दो ट्राइंगल दिखे ना, अब इसमें देखो दोनों ट्राइंगल में बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल है तो ये तो बराबर हो ही गया, और यहाँ पॉइंट डी पे और पॉइंट ई पे देखो आपको एक डब्बा सा बना होगा, मतलब ये एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होगा, तो एक तो 90 डिग्री के एंगल बराबर हो गए और पॉइंट बी बराबर दोनों ट्रायंगल में हो गए, बात कर दो, तो ए सिमिलरिटी लग गया इसमें, क्लियर, डबल एंगल सिमिलर बराबर है, सिमिलर है तो सिमिलर हो, अगला क्वेश्चन, मैं गर्दन टेढ़ा हो गया इसके चक्कर, अब देखिएगा ए ई पी इसी पिक, अरे हम क्यों समझा रहे हो जाएगा नहीं, चलो आगे बढ़ो, इसी को टारगेट करके 4, 5, 6, 7 अलग छोटे बड़े ट्रायंगल को प्रूव करवाया जा रहा है, सेमी क्वेश्चन है ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं,
एमसीक्यू में बेटे मैं बोलू एमसीक्यू का बेटा जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको भेजा था, देखा था क्वेश्चन आपने ट्रायंगल का क्वेश्चन, आज रात को मैं सारे के सारे एमसीक्यू आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि एनसीआर सारे सॉल्यूशन के साथ है आप। हाँ ये तो करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? अच्छा नहीं बेटे बहुत बुरा है ये, देखो सर इसका पीडीएफ क्वेश्चंस जी। हाँ जी और क्या, आपका जो सैंपल पेपर है मैं बोलूं पैसा लेता हूँ इसका? दे दो फिर से दोबारा पैसा। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए आपको सिंपल पेपर का सोल्यूशन पूरा चाहिए तो भी भेज देंगे। नहीं चाहिए मुझे, मेरे क्या सपोर्ट है सपोर्टिंग मटेरियल का, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो खाली आंसर लिखा है वो, हमको सब पता है, हमको अंदर समझिए है, सब देखा था, 9th क्लास वाला लिखा था सब। अरे उसको वो तो 8वीं में बेचारी, उसने 9वीं कर देगी, समझ में आ रहा है बात को? मतलब कि जो सपोर्टिंग मटेरियल आपको स्कूल से मिला है उसका आपको केवल आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन आप देखेंगे, देखिए ई इज द पॉइंट, स्लाइड नंबर 17, स्लाइड नंबर 17, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ए डी में देखिएगा एक्सटेंड करने पे ई एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए डी साइड को जब हमने आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट ई हमें मिला, ठीक है। और बी इंटरसेक्ट सी डी, बी ई इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी लाइन को, राइट वाले लाइन को बेटा, उस पर देखने को मिलेगा आपको। जहां स्क्रीन से ध्यान घटा आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। एट पॉइंट एफ, अब बी ई जो पूरी लंबी लाइन है ये डीसी लाइन को पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है, हम तो ताई को सुन रहे थे, पॉइंट एफ पे कट करती है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को यहां तक? तो अब क्वेश्चन समझा रहे हैं, ई पॉइंट हमें मिलता है एडी लाइन को आगे बढ़ाने में, उस स्क्रीन पे ध्यान दो, एडी लाइन को आगे बढ़ाए तो पॉइंट ई मिल गया। और ए बी सी डी जो ये आपको एक डब्बा सा दिख रहा है ये है एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एबीसीडी डब्बा ही तो है, अब 3D मत मांगना। एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, बीई सी डी लाइन को राइट वाली लाइन को कट कर रहा है पॉइंट एफ पे, आपको बस ये दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। इतना आसान आसान ट्रायंगल, इससे मुश्किल तो सातवें में है, चिंता मत करें मुश्किल आएगा। हाँ मुश्किल करेंगे, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक, ये आपके फायदे के लिए ताकि आपको जल्दी सिलेबस पे करा पाऊं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो जो स्लाइड नहीं समझ में आ रहा है हम बोर्ड पे करने का वादा करते हैं। अब गिवन जो है हम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम एबीसीडी है, यहाँ पे ई एक पॉइंट है एडी को प्रोड्यूस करने के बाद, और बी इंटरसेक्ट करता है सीडी को, जो लिखा था हमने सारा का सारा एज इट इज लिख दिया गिवन। हमें प्रूव करना है ए बी सिमिलर है, तुम्हें दिख रहा है ना सी एफ बी के, तो प्रूफ देखते हैं अपने पास। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहां पे अपोजिट एंगल है कहां वो देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पे ए सी के अपोजिट है ना, तो जितना ए एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ऑल्सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती है, तो ए डी बी सी के पैरेलल है। अब अगर ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए ई और ए डी जो कि एक्सटेंडेड लाइन है, ए ई बराबर है बी सी के, ए ई बराबर है बी सी के, सॉरी पैरेलल है बेटा, सॉरी दूसरे पेज पे तो समझ रहे ना, अगर ए डी बी सी के पैरेलल है और ये एक्सटेंड करके पॉइंट ई तक पहुंचा दिए हैं तो ये भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर नहीं पैरेलल की बात। Now,
सिंस ए एंड इज ए डी एक्सटेंडेड, ए इज पैरेलल टू बीसी, तो ए भी बीसी के पैरेलल होगा, बीसी अगर ए के पैरेलल है तो ए भी बीसी के पैरेलल होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे. दैट्स व्हाई बीई इज द ट्रांसवर्सल. ये बी जो लाइन पूरी है, हमने पढ़ा है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो हम उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. तो एई से एई लाइन ऊपर है, बीसी लाइन नीचे, और इन दोनों को जो कट कर रही है, मिला रही है, उसको हम कहेंगे बी लाइन, और बी लाइन इंटरवर्सल है, सॉरी ट्रांसवर्सल. या तो ट्रायंगल, सॉरी देयरफॉर एंगल एई बी, देखिएगा एई बी ठीक है बराबर है किसके, सी बी एफ के, सी बी एफ के, मतलब ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हो गए ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहां पर हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स भी बराबर, तो हमारा दो इक्वेशन मिल गया. पहला इक्वेशन फिर ऊपर चलिए देख लीजिए, एंगल ए सी के बराबर इसलिए था क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ओके दूसरा हमने क्या बताया आपको कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड एक उधर होगा, एक राइट लेफ्ट बनेगा तो दूसरा राइट, वो एंगल भी अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल ए बराबर एंगल सी, फ्रॉम इक्वेशन टू एंगल ए बी बराबर एंगल सी बी एफ के, तो ए एक सिमिलरिटी क्रिएशन हम लगा करके इसको प्रूव कर सकते, ठीक है. अरे कुरकुरा का रैपर फाड़ती हमने क्या पन्नी, हमने मेरा पेट में दर्द हो रहा है भाई, खाना दे. चलिए ठीक है आगे चलते हैं, एक स्लाइड स्किप कर देना, दो बार गलती से आ गया है, ठीक है ना. 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 पे है, 11th क्वेश्चन पे खत्म होने वाला है, स्लाइड नंबर 73 पे बेटा. हाँ बेटा, माने जितने भी हो 20 हो हमें क्या देखा, हम तो गाड़ी चल रही है जब पहुंच जाए पीतमपुरा. अब ये फिगर देखो आप, हमको पता नहीं क्यों लग रहा बहुत ही पेचीदा है. E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, यहाँ पे जो E आपको पॉइंट दिख रहा है ये CB वाले साइड पे है. CB वाले को जब एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, CB लाइन को जब हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया तो पॉइंट E बन गया ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल ABC. ABC एक आइसोसेलस ट्राइंगल है. आइसोसेलस ट्राइंगल कौन सा होता है चंचल बताओ जल्दी, दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है. तो ABC हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल पहले से था, हमने केवल BC लाइन को लेफ्ट में और प्रोड्यूस कर दिया तो हमें पॉइंट E मिल गया, ठीक है. अब ABC विद AB बराबर है AC के, जितना AB है उतना ही AC है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ दिख रहा है आपको. If AD is perpendicular on BC, है ही, AD हमारे BC के perpendicular है, 90 degree बना रहा है, और EF perpendicular है AC के, EF दिख रहा है ना, ये perpendicular है AC के, तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF, okay? बोर होने लगे आप लोग, पता तो तुम्ही को होगा ना, मतलब मैं तुम्हारे अंदर कोई क्लोन है क्या. चलो देखो, जितना ज्यादा देखो कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही काम होगा, इतना आसान नहीं है. आप लोग को अभी समझ में आ जा रहा है क्वेश्चन आएगा तो. जी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है ना, ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्शन ही तो होता है, ज्योमेट्री का ही हिस्सा है. देखिए हमें प्रूव करना है कि ये एबीडी सिमिलर है ECF के, ठीक है. चलो भाई हमें पता है कि आइसोसेलस ट्रायंगल क्या हुआ, ये सब
बिल्कुल बेटा ट्रायंगल चैप्टर है। सर्कल है क्या? सर्कल भी है। देखो ट्रायंगल का और ट्रायंगल और सर्कल का जो है ना कुछ जो थ्योरम है ना मुश्किल है, लेकिन विश्वास करिएगा आप जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे ना वो ठीक ठाक लेवल वाले ही आएंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो करा रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस वाला जो क्वेश्चन कराया था कॉन्सेप्ट समझ जाए, कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखिएगा। नहीं हाँ फॉर्मूले बेस्ड पे आपको मैं सारा क्वेश्चन एमसीक्यू को प्रोवाइड भी करा रहा हूँ। अभी जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का रियल जो केमिकल इक्वेशन वाला केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना, वो मैंने दे दिया है आप लोग देखिए। और एमसीक्यू विद सॉल्यूशन है आपको पढ़ाया भी था, कराया था ना फर्स्ट चैप्टर, जाके ट्राई करिए आप लोग देखिए। और आगे तो राम जी हैं देखिए हमें पता है कि ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है और ए बी ए सी के बराबर है, क्लियर है, और ए डी है परपेंडिकुलर बी सी पे और ई एफ है परपेंडिकुलर ए सी पे। पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ए बी ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे और हमारा ई एफ जो परपेंडिकुलर है ए सी वाले लाइन पे, क्योंकि वहां डब्बा बना हुआ उस लाइन पे, मतलब 90 डिग्री है परपेंडिकुलर लाइन। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, E जो है CB वाले लाइन को बढ़ाने के चलते एक पॉइंट बनाया है हमने। हमें प्रूफ करना है ABD सिमिलर है ECF के। प्रूफ हमारे पास क्या है देखिएगा, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल और AB AC के बराबर है तो C जो होगा वो B के बराबर होगा। क्या गिवन है? क्या गिवन नहीं बेटे, प्रूफ है हमारे पास, देखिए ना प्रूफ एंगल। अब AB जो है हमारा AC के बराबर है तो इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है एंगल B और एंगल C वो भी तो बराबर होगा, क्लियर है ना। ओके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम भी है हमारा कि एंगल अपोजिट साइड्स एक लाइन पे जब दो अपोजिट एंगल्स बनते हैं तो वो इक्वल ही। ये जो BC लाइन आपकी है इस पे दोनों अपोजिट साइड्स में है ना, एक तो पॉइंट B है जस्ट उसके सामने अपोजिट पॉइंट C है। अब दो अपोजिट साइड्स पे अगर एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर। ओके तो बेटा B अपोजिट है C के, तो C अपोजिट किसके है? D के, वो भी तो B के ही होगा ना। आप हमारे सामने हो तो हम किसके सामने? भगवान के कर रहा हूं भाई मुन्ना भाई। देखिएगा अगला, अब आगे देखिए ट्रायंगल ए बी डी इसके अंदर वाला ए बी सी के अंदर वाले पार्ट का मजे मत लीजिए। वहां देखिए ट्रायंगल ए बी डी जो है ई सी एफ, दो जो ट्रायंगल है इसमें ए बी डी ई सी एफ के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से। अब ए बी डी बराबर है एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ई सी EFC के क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। आपको पता है कि यहां पर दोनों में एक जो एंगल है 90 डिग्री का पता है दोनों में। अब दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मतलब ये भी दोनों भी एंगल बराबर ही होंगे, ठीक है। और अब जब दो ए मिल गया, दो एंगल बराबर मिल गया तो ए सिमिलरिटी हिसाब से बात खत्म, ए बी डी ई सी एफ के सिमिलर है। एक क्वेश्चन और करें, डी जी बेटा हाँ चिंता मत करो सब करेंगे। पहले थोड़ा मैथ देखो, मैथ साइंस और एसएसटी जो है ना हमारा कोर सब्जेक्ट है जिसका मतलब कोर सब्जेक्ट मतलब बेटा जिसका पैसा लेते हैं तो ये तो पहले कंप्लीट होगा ना, लेकिन चिंता मत करिए आपको बिना चाहते हुए भी जबरदस्ती हिंदी और इंग्लिश तो जरूर कराई जाएगी, ऐसा करा देंगे क्या। हाँ एक बात याद रखिएगा, जिसके पास भी हिंदी का ऑल इन वन नहीं है आप लोग कहीं से अवेलेबल कर सकते कर लीजिए। अगर हिंदी का ऑल इन वन आपके पास हो गया तो पेपर में भैया 100 नंबर का हिंदी इस बात को गलती से भूल मत जाइएगा। कोई 100 मार्क्स का हिंदी भी है और 100 मार्क्स का ही मैथ है तो आप ये मत समझिएगा कि मैथ सब पढ़ लेंगे और हिंदी छोड़ देंगे।
हमारे अधिकतर जो पिछले स्टूडेंट थे ना मेरे सब्जेक्ट जो मैं पहले पढ़ा था तो उसमें अच्छे खासे नंबर ले आए और मैथ और साइंस में उड़ गए, और जबकि पूरे साल मैथ और साइंस ही पढ़े। तो ये मत गलती भी मत करिएगा ना कि हिंदी कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको आधे घंटे कुछ ना मन करा तो मन नहीं लग रहा है ना, एनसीईआरटी की बुक उठाइए जो आ रहा है, उसके चैप्टर तो कम से कम रीड जरूर ही कर लीजिए, और चैप्टर के बाहर तो कुछ होता है। मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले थोड़ा इसमें सिलेबस बढ़ जाए हमारा। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी पर बीच में एक पॉइंट डी है, ठीक है, ओके, सच दैट एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीसी, और वो इस तरह से है कि डी एडीसी बीएसी के बराबर है। आपको ये बताना है सी ए स्क्वायर इजकल टू सी बी इंटू सी बी, ठीक है, सी ए स्क्वायर, सी ए राइट वाली साइड का स्क्वायर कर दे मतलब डबल कर दे तो सी बी इंटू सी डी के बराबर है। चलो देखते हैं, गिवन हमारे पास है ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल एडीसी बराबर है बीएसी के, ओके, तो प्रूफ क्या करना है, सीए स्क्वायर इक्वल टू सीबी इनटू सीडी। अब देखो अगर सीए अपॉन सीडी इक्वल टू सीबी अपॉन सीए, ठीक है, अब ये कैसे हुआ, सीए अपॉन सीडी, सीबी अपॉन सीए। प्रूफ हमारे पास है कि ट्रायंगल बीएसी एंड एडीसी, इस बड़े वाले को दो हिस्सों में बांट दो, ट्रायंगल बीएसी और एडीसी दो, जो दो ट्रायंगल है इसमें एसी भी बराबर है एसीडी के, क्योंकि कॉमन एंगल उसमें डी आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना कॉमन एंगल डी, तो एसीबी एसीडी के बराबर हो गया, मतलब कॉमन एंगल यहां पर सी हो गया, सॉरी। दूसरा है बी ए सी एंगल ए डी सी के बराबर, तो गिवन है, अब दो एंगल बराबर हैं तो ए सिमिलरिटी क्रिएशन लगा के हमने सिमिलर कर लिया। अब ये हमें पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आगे का काम देखते हैं। ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर है ए डी सी के, सो बी ए अपॉन ए डी, बी ए अपॉन ए डी, ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी एंड बी सी अपॉन AC. Since the हेलो नमस्ते भाई, हाँ हो गया, बस एक मिनट में आ रही हूँ, देखिएगा यहां पे आपको दिख रहा है कि सिंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, तो AC अपॉन CD इक्वल टू BC अपॉन AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC पॉइंट CD, हेंस आज इतना तक ही, कल आगे कराया जाएगा आप लोगों को, और ट्रायंगल ही कराया जाएगा। सेकंड वेरिएबल